सारी मेहनत में पानी ही फेर दिया। तो पराधी नीचे गिर गया वो। क्या मानने डर है? क्या हुआ है? क्या हो गया? क्यों क्यों रो रही है? अरे अरे उनको क्यों रो रही है? क्या मानने डर? क्यों रो रही है? क्यों सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं तैयार हो चुका हूं। अभी मैं तैयार होके जा रहा हूं मंडी दुकान, कुछ सामान खत्म है तो सामान लेके आना है। और मौसम आज का आप देख सकते हैं बढ़िया मौसम है। और जो है नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता हमने सुबह ही कर लिया था 8 बजे के आसपास। तो करते हैं दिन की शुरुआत, आपकी दुआओं के साथ हो जाइए शुरू। क्यों नहीं? आपको कपड़े दिए नहीं गए हो? कपड़े साने में या मी जहां पे दुकान और के लोन है एक ही पे बता। ठीक छोड़ बाहर लाई हो? ठीक छोड़ ठीक थोड़ा हिमालय का सीन आप देखिए, क्लियर बादल है, एकदम क्लियर मौसम है। और बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो दोबारा। सबको पता चलना चाहिए ललित भाई का बेबी बॉय दूसरा हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है दोबारा। सब लोग को निमंत्रण है, आज सैटरडे को नामकरण है, सब लोग आना और अपना आशीर्वाद दे के जाना। सब लोग को निमंत्रण है, जितने और जो इसके सब्सक्राइबर हैं, इसके व्यूवर्स हैं, इसके जो भी हैं अर्जुन भाई के, वो सब आना। और नई दुकान की भी बधाई ललित भाई को, नई दुकान खुल चुकी है ललित भाई की। हाँ धन्यवाद। आप सभी लोगों के आशीर्वाद से ये हो पा रहा है। आप सभी लोग का आशीर्वाद ऐसे बना रहना चाहिए, ऐसी आशीर्वाद देते रहो हम लोग को। कल भी आया था मंडी, रसगुल्ला खा के चले गया। आप लोग के लिए भी रखी है मैंने, आप लोग भी जरूर आना। और जितने लोग इसके व्यूवर्स हैं या इसके सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करने वाले जो भी हैं, सारे लोग आना, सारे लोग को बहुत बहुत निमंत्रण है। मैं किसी भी सदस्य को नहीं छोड़ना चाहता, सब मेरे घर के मेंबर हैं, सब मेरे घर के सदस्य हो। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, समोसे हो गया रेडी? अभी कुछ भी नहीं हुआ है, टाइम है। आजकल मेरे को बहुत काम हो जा रहा है सुबह तो इस वजह से मैं बहुत लेट दुकान पे आ रहा हूँ, दुकान पे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है। और इसको भी दिखाओ इस ब्लॉग में, ये आजकल ये बागेश्वर रहता है, ये बागेश्वर से घर आया है। और ये भी इनका चैनल सब्सक्राइब कर चुका है, ये भी इनका वो है ना। तो अभी समोसे अगर बन जाते फिर लेके जाऊंगा, फिर मिलते हैं। बिल्कुल फिर मिलते हैं फिर। हाँ ललित भाई, ओके। और पहाड़ में इस बार शायद नवंबर लास्ट तक, नहीं सॉरी दिसंबर या लास्ट तक, नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट तक बर्फ गिरने वाली है। कंफर्म है। बाहर हो अगर स्नोफॉल देखना है किसी को तो आ सकते हो यहाँ पे। अच्छा, इतना ठंडी हो रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, हम लोग ने विंडचीटर इतने ज़ोर ज़ोर के पहन रखे हैं, ये देख सकते हो आप लोग। और इतने गरम गरम कपड़े हम लोग पहन के यहाँ पे हैं। और ठंड का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा यहाँ पे आजकल हरियाली भी है। सब लोग आ सकते हो यहाँ पे मजे करने के लिए, मजे ले लो, पहाड़ के मजे लो। कब लोगे? अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? अपने बच्चों को गर्मी से राहत दिलाओ, घर आओ घर। 90% चांस है इस बार बर्फबारी हो सकती है, 100% बर्फबारी होगी इस बार, आप आ सकते हो। थैंक यू, ठीक है फिर मिलते हैं। सुप्रभात बलवीरदार, और हो गया नाश्ता पानी? हो गया होगा, और ठीक ठाक? दुकान से गायब रहता है यार तू, है मुझे कितना टाइम? 5 मिनट हो गए यहाँ पे वेट करते करते, है? बाल बना दे मस्त वाले, छोटे करने हैं, मीडियम साइज। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मंडी से सामान लेके, अभी जरा रेस्ट में हूँ, देखिए बीच रास्ते में हूँ अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाल कटिंग करके मैं आ चुका हूँ, और जो है
ये है सामान। तो जैसा कि देख सकते हैं ऊपर है जस्ट, ये है हाईवे, इसके नीचे मैं पहुंचा हुआ हूं अभी। तो चलते हैं फिर घर में और मिलते हैं घर में, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। जान से हेलो बोल दे सबको। हेलो हेलो। तो मैं पहुंच चुका हूं घर में, चलो 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 चलो। बात बड़ी है। तो इतानसी चावल रेडी हो गए? नहीं हुए? अरे इसमें होगा भात और इसमें है दाल। एक कप तो ये तोड़ चुकी है मग, एक मग तोड़ चुकी है, नया वाला लेके आया हूँ मैं, इसको भी तोड़ेगी अभी। रख दे नीचे। इतान से कौन सी दाल बनी है बता दे सबको। अच्छा मांस की दाल और मिक्स दाल है बोल रही तांसी। यहाँ पे काम हो रहा है तो अभी मम्मी आंवले साफ कर रही है, तो इसके बाद इसको उबालेंगे फिर मसाले लगाएंगे। अच्छा ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही तू, कहाँ से आ रही है? आज जो है हम बनाएंगे आंवले का अचार। तो आंवले का अचार बनाने का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप वो आपको समझाएंगे। इन दानों में जो टहनियां या पत्तियां लगी हुई है उनको साफ कर देते हैं, मतलब इन दानों को साफ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है वो सब समझाएंगे आपको, दिखाएंगे। इसमें इतने है ये। एक दाना आपको भी खिलाते हैं संतरे का। अच्छा अच्छा दाना कौन सा है बताओ आप। ये 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 वाला तोड़ ले, ये वाला ठीक है। ये दाना तुले खाली। हेलो ला, मैं ही खा लेता हूँ। हितांशी और हितांशी की दादी आंवले की सफाई करते हुए और हितांशी दानों को नीचे फेंकते हुए मत कर बेटा गंदी बात। अब सेकंड प्रोसेस क्या है हितांशी की मम्मी बताएगी। अब इसको हम सबसे पहले उबालेंगे उसके बाद बताएंगे। ये वाला ले ये सारे बॉयल हो चुके हैं देख सकते हैं आप। अब हम इसको निकाल लेंगे। बॉयल हो चुके हैं ये, क्यों डालते हैं फिर नमक और हल्दी इसमें? कलर अच्छा आएगा। अच्छा कलर अच्छा आएगा और क्या खास रीजन? इसमें भी नमक चला जाएगा ये। अच्छा आंवले के अंदर। अच्छा आंवले के अंदर भी नमक चले जाएगा इससे। अब हम इसको इसमें डाल लेंगे ऐसे, जितना भी पानी हो सूख जाए। तो इसमें है मेथी, सौंफ, जीरा और सरसों। तो इसको हम भून चुके हैं, अब हम इसको पीसेंगे सिलबट्टे में दरदरा करके। तो अब डाल लेते हैं इसमें पहले तेल। तो तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद डालेंगे हम इसमें मसाले जो हमने पहले अभी तैयार किए थे। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। ये सूख चुके हैं ये देखिए, और इसमें अब हम डाल देंगे ये मसाले वाला तेल। अब कर देंगे इसको मिक्स। तो अचार हो चुका है रेडी। तो आंवले का अचार कैसे बनाया जाता है इसका जो पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दिखाया। तो आई होप अचार बनाने का ये प्रोसेस आंवले का बहुत अच्छा आपको लगा होगा, यही आशा हम कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवले हैं या तो आप मार्केट से लाइए या कहीं और से जहां से भी आप व्यवस्था करते हैं, अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो आंवले का अचार पक्का टेस्ट करना, बहुत हेल्थी होता है और स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है।
माय गॉड, सारी मेहनत में पानी फेर दिया, सारे दाने फेंक दिए नीचे। ओहो हो ये मेहनत में पानी फिर गया। कसी सुडो हेलो इत बता भाई इधर कौन नहीं पर आ छूट गया है जो कौन रोक मतलब ये कुल मिला के टेस्ट करने के चक्कर में यहाँ ऊपर रखा होगा, इधर ये यहाँ ऊपर रखा था तो मम्मी को बोला होगा टेस्ट करने के लिए, मम्मी ने ऐसे निकाला होगा तो परादी नीचे गिर गया हो। तो अभी जरा लकड़ियाँ निकाल रही है क्योंकि कल जो है पितर देवता के मंदिर में नैनांग पूजा है तो उसके लिए वहाँ लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी शाम के बजने वाले हैं 5, तो मैं जा रहा हूँ अभी पानी लाने धारे में, लाते हैं फ्रेश पानी। तो पहुंच चुका हूं मैं धारे में, तो ये है खाना, आलू की सब्जी है, आलू मेथी की सब्जी है, रोटी है, दूध है, तो ये लोग तो खा रहे हैं खाना, खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 9 और हम लोग खाना खा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।